मनाली यार एक ऐसी जगह है ना जहाँ मन के साथ साथ दिल भी लग जाता है। बंक बैठ लिया मैंने ऊपर वाला। ये डिस्को वैली है, यहाँ पे जो बाहर से फॉरेनर आते हैं उनका तो गाइस खोज में मैं निकल गया हूँ। अभी मेरे को एक यंग मॉन्क करके हॉस्टल दिख रहा है ऊपर, सोच रहा हूँ वहाँ जाके देख के आऊँ। आज तक मैं कभी हॉस्टल में स्टे नहीं किया हूँ, बड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है कि कुछ कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। तो देख के आते हैं कैसा है क्या है, अगर सही लगा तो फिर हॉस्टल में स्टे कर लेंगे कुछ टाइम। सो गाइस अगर आप यंग मॉन्क हॉस्टल में आ रहे हो ना तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है एंट्री पॉइंट के लिए। तो मैंने भी पूछा था यहाँ पे, जो ये यहाँ पे छोटी सी मार्केट ख़त्म होती है और एक होटल रिवर बैंक रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा है ना, वहाँ से ये रास्ता जाता है। देखो ये रास्ते से पैदल पैदल जाना है, बस ये दो कदम पैदल चलना होता है। और ये रहा हॉस्टल, देख के आते कैसा है भाई। तो गाइस ये यहाँ का कैफ़े है और एक प्रॉपर्टी इनकी यहाँ है बताया, और एक प्रॉपर्टी इनकी ऊपर भी है। तो जो वर्क स्पेस फ्रेंडली ज़्यादा है वो ऊपर वाली है, तो हम लोग ऊपर अभी जाएंगे। नीचे जो है अगर आपको खाली स्टे करने के लिए रहना है तो बेस्ट ऑप्शन है, प्लस ऊपर वाले में कह रहे हैं कि फूड भी एडिट रहता है। सो गाइस थोड़ा सा पैदल चल के आपको ऊपर आना पड़ता है ऊपर वाली प्रॉपर्टी के लिए। तो अच्छा है थोड़ा आप ना नीचे से ऊपर आ गए हो पहाड़ों की तरफ। और प्लस पूरी ग्रीनरी है आसपास, तुम्हारे खेत वेत है ना गेहूँ के, देखो कितने मस्त लग रहे हैं। ये भी है कि मॉर्निंग में ही टहल सकते हो, ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। थोड़ा सा बिल्कुल बाहर नीचे ना थोड़ा शोरगुल भी था गाड़ियों का, यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल है, मज़ा आने वाला लग रहा है भाई। ये ना सामने वाला, सो भाई ये वाला बंक बेड लिया हुआ है ना ऊपर वाला, यही मिला है बेसिकली, अवेलेबल था। तो अब कुछ दिन यही बिताने हैं, लेट्स सी क्या होता है मॉल, पता नहीं। तो गाइस फिलहाल सेटल डाउन में हो गया हूँ और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। अभी मैं थोड़ा सा ऑफिस का काम निपटा लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। लेट्स सी कैसा होता है, मेरा फर्स्ट टाइम है तो आई एम नॉट श्योर कि कितना एडजस्ट कर पाऊँगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज 21 तारीख हो गई है और आज हम एक छोटी सी हाइक पर जा रहे हैं, हॉस्टल से थोड़ा सा नज़दीक है अप्रोक्स 2-3 किलोमीटर के आसपास। तो बेसिकली नेचर वॉक अगर आपको पसंद है ना तो ये बेस्ट चीज़ है। आप आओ यहाँ पे, नीलमल है प्लेस का नाम, बहुत कम लोग जानते हैं वैसे तो। ये डिस्को वैली है, यहाँ पे जो बाहर से फॉरेनर आते हैं उनका मनाली डांस ट्रांस वगैरह जो भी है व्हाटएवर पार्टीज जो होती थी प्रॉपर इसी पूरे प्लेस पे होती थी। अमेजिंग यार, बिल्कुल दुनिया से हटके है ना, मस्त। गाइस चलते चलते हम लोग पहुँच गए खारवा वैली। तो ये जगह हम जा रहे हैं वो खारवा वैली से होती हुई जाती है और एज यू कैन सी थोड़ा ट्रैक खतरनाक हो गया है। रस्ते में आपको एक इस तरह का प्लेस मिल जाएगा, इट इज़ बेस्ट फॉर मेडिटेशन, बट समहाउ लोगों ने थोड़ी गंदगी मचा दी यहाँ पे लगवा है। लेकिन भैया बता रहे थे कि यहाँ पे पहले अंग्रेज अंग्रेज जाते थे तो मेडिटेट करने के लिए, टैंकर उतार चढ़ाव करने के बाद हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। खतरनाक ट्रैक है यार, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो मतलब 100% दोगुना टैंकर है। थोड़ा बहुत यहाँ पे चिल मारने के बाद फोटोग्राफी वगैरह करने के बाद हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे थोड़ी देर में। तो अगर आपको फोटोज वगैरह देखनी तो इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं
आईडी यहाँ कितनी उठी और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कैसा लगा ये प्लेस, कैसी लगी हाइक, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। उसके बाद हम सीधे हॉस्टल जाते हैं और फिर उसके बाद ऑफिस भी ज्वाइन करना है यार। सो गाइस, यहाँ से बहुत सारे ट्रैक्स भी स्टार्ट होते हैं, यहीं से रूट स्टार्ट होता है। एज यू कैन सी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। यहाँ पे भी कुछ है क्या कॉमन एनिमल? अच्छा, अरे भाई लेपर्ड सबसे ऊपर लिखा हुआ है। ये देखो मैप भी देख लो यहाँ का, ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है ना। सही, तो अगर हम हिडम्बा देवी की कहानी की बात करें तो महाभारत के टाइम में जब भीम यहाँ पर अज्ञातवास में आए थे